मैथ के हैं, बेसिक हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण लोग जोड़ के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अब यहाँ पे जोड़ कर जो महत्वपूर्ण सूत्र है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या का योग प्रकृत संख्या का योग ज्ञात करना होगा। अगर हम लोग को प्रकृत संख्या बढ़ जाइए, अगर प्रकृत संख्या का हम लोग को क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो आप लोग उसके लिए क्या कीजिएगा, तो उसके लिए सूत्र होता है इन इन प्लस वन बटा कितना होता है दो। जैसे देख लीजिएगा, जैसे मैं आप लोग देखिएगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस डह 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 मान के चलिए कि आपको दे दिया गया 20। अब इसको जोड़िएगा तो क्या, तो अगर आपको इसको जोड़ना है तो इसके लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा एन माइनस कितना जाएगा, एन प्लस वन बटा कितना होता है दो होता है। अब देखिए एन किसको हम लोग मानते हैं, जो हम लोग का अंत वाला जो सबसे अंत में होता है यही हम लोग का एन का मान होता है, यानी एन बराबर 20 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब 20 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 प्लस सॉरी 20 गुणे कितना हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 2, इसी हो जाएगा 10, 21 गुणे कितना हो जाएगा 10 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपको अगर मान के चलिए ये बड़ी संख्या अगर हो जाए जोड़ने के लिए, मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग 20 तक दिए हुए हैं, तो 20 तक आसानी से जोड़ लिए। अगर यही बड़ी संख्या हो जाए तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग का क्या सूत्र होता है, ये हम लोग का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन बटा कितना होता है दो होता है, ये हम लोग का सूत्र हो जाता है। और ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन मिलता है, ये कौन सा संख्या है, ये प्रकृत संख्या है, कौन सा संख्या है प्रकृत संख्या है। ऐसे आता है, आता है। अगर देखिए यहीं पर आपको अगर आप लोग को ठीक है ना नोट कर लीजिए, जिनका हो गया है देखिए इसी पर अगर आप लोग को कोई दे दे, इसी सूत्र पर अगर आप लोग को कोई दे दे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो आप लोग कैसे हो, मान के चलिए कि यहाँ पर दे दिया एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच डैश डैश करते हुए 50 तक दे दिया, कितना तक दे दिया 50 तक दे दिया, तो 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 एन का मान 50 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस एक बटा कितना हो जाएगा दो, अब हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा इक्यावन में 25 से गुणा कर दो, तो 51 में 25 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 50 25, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 और यहाँ पर हो जाएगा 15 के 10, ये हो जाएगा 5 7 2 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200, कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा 75, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप का हम लोग का ये कौन सा संख्या रखा था, प्रकृत संख्या रखा था। अगर हमको सम संख्या का निकालना है, यहाँ रखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको सम संख्या का निकालना है, कौन सा संख्या का, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा उसके लिए भी हम लोग को ध्यान देना है, सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके लिए सूत्र होता है एन एन प्लस का होता है 1 होता है, जैसे मान के चलिए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डाइडेंस करते हुए कितना हो जाएगा 20 कर, तो ये हम लोग का सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो से भाग लग जाता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, हम लोग सबसे अंत में उसको एन मान लेंगे, तो हम लोग क्या होता है एन एन प्लस वन, यहाँ पे एन हो जाएगा 20, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 1 तो 20 पूरे 21, इसमें पूरा करोगे तो कितना हो जाएगा 20 बिता कितना होता है 400, और 20 यानी कहने मतलब 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का
420 हो जाए, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 420। अगर यही आपको दे दिया गया है, यही आप लोग को दे दिया गया है, 2 + 6 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करते हुए 100, ठीक है ना, 100 तक दे दिया। तो आप 100 तक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 प्लस कितना हो जाएगा 1, अब हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणा कितना हो जाएगा 101। आप इसमें से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको 10100 हो जाएगा। ऐसे हम लोग का संख्या का निकल जाएगा, नोट कर लो। रहने तो अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, दो से भाग नहीं लगता। यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्या के लिए हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपको कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान रखें, 1+3+5+7+9+10+10 करते हुए मान के चलिए कि आपने 21 लिख दिया, कितना लिख दिया 21 लिख दिया। तो सूत्र हम लोग क्या होता है, सूत्र क्या होता है, n 1/2 कितना हो जाएगा 2 n स्क्वायर, n स्क्वायर गलती हम लोग कर रहे हैं सूत्र में, सिर्फ यहाँ पर होता है n स्क्वायर, तो होता है n स्क्वायर, जो n स्क्वायर होता है तो हम लोग अंत में जो होता है यही हम लोग किसका मान होता है, n का मान होता है, यही हम लोग किसका मान होता है, n का मान होता है। एन का मान होता है तो 21, 21 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 21 में कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 441। यानी अंत वाला संख्या को हम लोग को स्क्वायर करना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे दूसरा 1, 3, 5, 7 ठीक है ना, प्लस 9 डैश प्लस 9, तो अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो अगर हम लोग 9 के वर्ग करेंगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा था 1, 2, 3, 4, 5 पाँच के स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पर हो जाएगा 9, 16 और 16, 6 कितना हो जाएगा 16 × 9 ये कहा जाएगा 16 × 9 को कहा हो जाएगा 25, 16 × 9 को कहा जाएगा 25। अब ध्यान रखना हम लोग को गलती कहाँ हो रहा है, ये सही है 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके लिए सूत्र अगर हम लोग ये लगाएंगे तब जाकर सही होगा, 1+1/2 ठीक है ना, ये होल स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो आसानी से ये कहा जाएगा निकल जाएगा, ठीक है ना, ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ऐसे तो निकल नहीं रहा। रुकिए, पहले अगर उताना नहीं है, ये तो हम लोग को कौन सा संख्या रहता है, परिमित संख्या रहता है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को पाँच के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। इसके संख्या को हम लोग क्या करना है, गिनना है, तो हम लोग गिनेंगे कैसे, तो एन के संख्या का अगर हम लोग कर दें एन प्लस एक बटा कितना हो जाएगा दो के होल स्क्वायर, तो अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं नौ प्लस एक बटा दो होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा दस बटा दो होल स्क्वायर बटा हो जाएगा पाँच के होल स्क्वायर, इस सूत्र को हो जा रहा है, तो इसके लिए ये हम लोग का सूत्र गलती हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा इक्कीस बटा दो होल स्क्वायर, इक्कीस बाईस बटा कितना हो जाएगा दो, ग्यारह में कितना हो जाएगा बाईस, ग्यारह में कितना हो जाएगा बाईस, एक सौ कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा। अब इसका यह कहा हुआ है सही हुआ है, यानी कहने का मतलब वन प्लस एन प्लस वन बटा टू के होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया पार्थिव संख्याओं वर्गों का योग, अगर इसका वर्गों का योग निकालेंगे तो आप लोग उसके लिए सूत्र क्या रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, एन प्लस वन एन टू हो जाएगा टू एन प्लस वन बटा में हो जाता है छ, बटा में कितना हो जाता है छ हो जाता है, इसके लिए ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आप लोग जुड़िएगा या करिएगा, एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर प्लस चार के स्क्वायर डैश डैश पाँच के स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ निकालना है, तो ये जो अब सबसे अंत होगा वही एन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए पाँच, पाँच प्लस एक इंटू दो गुणे पाँच प्लस एक, यहाँ पर हो जाएगा पाँच गुणे छः इंटू दस एक ग्यारह बटा कितना हो जाएगा छ, ये छः से छः का आ जाएगा तीन सौ, ग्यारह गुणे कितना हो जाएगा पाँच, ग्यारह पाँच कितना हो जाएगा पचपन। अब पूछेगा सर कैसे होगा, ध्यान रखिएगा पचपन आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक के वर्ग कीजिएगा तो एक हो जाएगा, दो के वर्ग कीजिएगा तो चार हो जाएगा, तीन के वर्ग कीजिएगा तो नौ हो जाएगा, चार के वर्ग कीजिएगा तो सोलह हो जाएगा, और यहाँ पे पाँच के वर्ग कीजिएगा तो पच्चीस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए पच्चीस पच्चीस कितना हो जाएगा पचास, पचास अब पाँच कितना हो जाएगा पचपन, यहाँ पर कितना हो जाएगा पचपन हो जाएगा, कितना हो जाएगा पचपन हो जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर। अब यहाँ पे आप लोग स्क्वायर के किए हैं, अब घन के कर लीजिए, घन का क्या होगा, घनों का क्या होता है योग, क्या होता है
घनों का अगर योग कीजिएगा तो एन एन माइनस वन बटा कितना हो जाएगा, टू के होल स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, तो घनों का जब निकालिएगा, घनों का निकालिएगा प्रत्येक संख्या के, तो उसके लिए यह सूत्र होता है। जैसे एक एक घन यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक के पर तीन, दो के पर तीन, तीन के पर तीन, चार के पर कितना हो जाएगा तीन, प्लस डैश पाँच के पर तीन हो जाएगा। इसके लिए आप लोग ये सूत्र लगा सकते हैं आसानी से, कैसे निकालिएगा, तो एन एन प्लस वन बटा कितना है, दो के होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा पाँच, पाँच प्लस वन बटा कितना हो जाएगा, दो के होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा पाँच पूरे छः बटा दो के होल स्क्वायर, दो तीन छः, पाँच के कितना हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह का होल स्क्वायर दो सौ कितना होता है, पच्चीस, कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस। तो अगर आपको क्यू वाला पर आता है तो आप लोग आसानी से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए अगर आपके लिए चार घात वाला आ रहा है तो उसको कैसे कीजिएगा। अगर आप लोग के पास अगर हम लोग का जिसका पावर पूर्णांक संख्या सॉरी प्राकृत संख्याओं का अगर घात कितना हो जाएगा, घन है, अगर घात इसका कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तब हम लोग उसको कैसे बताएंगे, बनाएंगे। देखिए ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये हो गया। यहाँ पर लिखा गया है चतुर्घात, चतुर्घात का मतलब होता है पावर में, ये हो जाएगा हम लोग। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सूत्र होता है ए एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तीन एन स्क्वायर माइनस तीन एन प्लस वन बटा कितना हो जाएगा तीस। इसके लिए सूत्र हो जाएगा, इसके लिए सूत्र हो जाएगा घात चार के लिए, ये सूत्र होता है घात का कितना के लिए होता है, चार के लिए। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस होता है। अब एक के पावर चार प्लस दो के पावर चार प्लस तीन के पावर चार प्लस चार के पावर चार प्लस डेट एस पाँच के पावर चार। यहाँ पे आपको ले लेना है एन माइनस वन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तीन एन स्क्वायर प्लस तीन एन माइनस ए बटा कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा। देखिए पाँच, पाँच प्लस वन, दो बुरे पाँच प्लस वन पूरे तीन, पाँच के होल स्क्वायर प्लस तीन बुरे पाँच माइनस ए बटा हो जाएगा तीस। तीस पूरे यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह, पूरे यहाँ पर हो जाएगा पाँच के स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस पचहत्तर प्लस पंद्रह माइनस एक बटा हो जाएगा तीस। तीस पूरे ग्यारह यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा पचहत्तर, नब्बे में से एक घटा देंगे, सॉरी नब्बे में से कितना घटा देंगे एक, तो हो जाएगा नवासी बट्टा कितना हो जाएगा तीस, तीस से तीस के से यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह गुणे नवासी। तो अब देखिए ग्यारह गुणे नवासी में आप कीजिएगा तो नवासी, और यहाँ पर हो जाएगा नवासी, नौ सत्रह के साथ कितना हो जाएगा नौ सौ, नौ सौ कितना हो जाएगा नौ सौ उन्यासी, ये आपको हो जाएगा तीस। इस टाइप के अगर प्रश्न आप लोग को मिलते हैं तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके सिवा और भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसको हम लोग को हल करना होता है, बनाना होता है, इस सब चीज़ पर आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी इस पर आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, और भी एग्जांपल लिख लिख के आप लोग आगे बना सकते हो, अपना से ट्राई कर सकते हो। ये बहुत सारे कंपटीशन में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना।